हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगनलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज टिडोना। आज के इस वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंडों के अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंडों के अपचयन की कुछ अभिक्रियाएं हमने पिछले वीडियो में देखी थी, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंडों का हम मीरवाइन पॉइंट्राव वर्ली अपचयन के द्वारा किस प्रकार से रिडक्शन करते हैं, ये अभिक्रिया हमने देखी थी। क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा हम किस प्रकार से कार्बोनिल जो यौगिक हैं उनमें सी डबल बॉन्ड को सी एस टू समूह में अपचित करते हैं, और वोल्फ किस्नर अपचयन में भी हम सी डबल बॉन्ड ओ जो क्रियात्मक समूह है उसको हम सी एस टू क्रियात्मक समूह में अपचित करते हैं। जो अगली जो अभिक्रिया है वो है अपनी केनिजारो अभिक्रिया। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे केनिजारो अभिक्रिया। द केनिजारो रिएक्शन इन्वॉल्व द बेस इंड्यूस्ड डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ टू मोलिक्यूल्स ऑफ नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड टू गिव ए प्राइमरी एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केनिजारो अभिक्रिया क्या अभिक्रिया है, जिसमें हम दो एल्डिहाइड के मोलिक्यूल की हम किसी क्षार के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH या फिर KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। कंडीशन क्या है कि जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होना चाहिए, यानी ऐसा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो कीटो फॉर्म जो है उसकी वो इनोल में कन्वर्ट नहीं हो सके। ये तो हम देखते हैं, जानते हैं कि एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार से कीटो इनोल फॉर्म में परिवर्तित होते हैं, सी एस टू डबल बॉन्ड सी ओ एच और एच, यानी कि एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है वो कहाँ पर आ जाता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओ एच में। ये कीटो फॉर्म थी और ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। तो यदि इस एल्डिहाइड को इस इनोल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है हमें, या इस प्रकार के एल्डिहाइड जो इनोल फॉर्म में परिवर्तित नहीं हो, तो उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि इस कार्बोनिल समूह के जो पास वाला जो कार्बन परमाणु है, अल्फा कार्बन परमाणु है, उस पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए। यदि इस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा तो वो फिर एल्डिहाइड है वो इनोल फॉर्म में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के एल्डिहाइड जिनके अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं हो, उनकी हम किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इन एल्डिहाइड के दो अणु काम में आते हैं, जिनमें से एक अणु का तो हो जाता है एल्कोहल में अपचेन और दूसरे अणु का हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं जिनमें एक ही यौगिक के दो अणु, जिनमें एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे अणु का अपचेन हो जाता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम असमानुपातन या डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले रखा है, केनिजारो अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है, जिसमें हम बेंजाल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और इसके हम किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बेंजाल्डिहाइड के एक अणु का तो हो जाएगा अपचेन, किसमें, बेंजील एल्कोहल में, और दूसरे अणु का हो जाएगा ऑक्सीकरण, किसमें, बेंजोइक एसिड में, और बेंजोइक एसिड और क्षारीय माध्यम में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण यानी पोटेशियम बेंजोइट का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये किस प्रकार का एल्डिहाइड है, इस क्या ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो इसकी हम जाँच करते हैं, देखते हैं। बेंजीन वलय इसमें जुड़ी हुई है, और इसमें फिर यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ और एच,
अल्फा कार्बन परमाणु ये कार्बन परमाणु है, बेंजीन वाले एक कार्बन परमाणु पर पहले एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित था, और उस हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हमने क्या जोड़ दिया है, सी डबल बॉन्ड ओ एच समूह हमने जोड़ दिया है। तो इस कार्बन परमाणु पर अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। अब इस पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, इसका मतलब ये जो एल्डिहाइड है वो इनोल फॉर्म में परिवर्तित नहीं हो सकता। और इस प्रकार का जो एल्डिहाइड है इसकी यदि हम केओएच के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक अणु का तो एल्कोहल में अपचयन हो जाएगा, सी एच टू ओ एच, और दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो एक तो बेंजील एल्कोहल बन जाएगा और एक बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और जो कि बेंजोइक एसिड केओएच की उपस्थिति में साल्ट में परिवर्तित हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट का निर्माण हो जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं किनेजारो अभिक्रिया का, कि जब हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इस फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हम यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों काम में आते हैं। इसमें तो एल्फा कार्बन परमाणु ही नहीं है, तो एल्फा कार्बन परमाणु नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन होने की तो संभावना ही नहीं है। तो एल्डिहाइड के दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, एक अणु का तो क्या हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ के, पोटेशियम फॉर्मेट में ऑक्सीकरण हो जाएगा, और दूसरे एल्कोहल का अणु है उसका हो जाएगा सी एच टू ओ एच में अपचयन। तो एक तो क्या बन जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट, और दूसरा क्या बन जाएगा मेथेनॉल। एक एल्डिहाइड का अणु का तो ऑक्सीकरण हो गया है पोटेशियम फॉर्मेट में, और दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के अणु का हो गया है अपचयन मेथेनॉल में। यदि इस प्रकार के कंपाउंड हो अपने पास जिनमें दो एल्डिहाइड का मिश्रण अपने पास हो, जिसमें एक तो मान लो कि हो अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा कोई इस प्रकार का एल्डिहाइड हो, इस प्रकार का एल्डिहाइड इसकी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो देखो इस एल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये जो एल्डिहाइड है इस एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन परमाणु तो है लेकिन इस कार्बन परमाणु पर तीन सी एच थ्री समूह उपस्थित है, इस पर एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो ये दोनों ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों ही एल्डिहाइड किनेजारो अभिक्रिया दे सकते हैं। इन दोनों एल्डिहाइड को यदि हम मिश्रण काम में लें और इनके हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो हमें ध्यान रखना है कि जब दो एल्डिहाइड के मिश्रण में एक फॉर्मेल्डिहाइड हो तो हमेशा ऑक्सीकरण फॉर्मेल्डिहाइड का होगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर फॉर्मिक अम्ल के पोटेशियम लवण में परिवर्तित हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण हो जाएगा, और दूसरा जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उसका हो जाएगा अपचयन। तो इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का तो अपचयन हो जाएगा, सी एच ओ समूह कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू ओ एच समूह में, और फॉर्मेल्डिहाइड है उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण फॉर्मिक अम्ल में। तो ये केनेजारो अभिक्रिया थी जिसमें हम एक ही प्रकार की एल्डिहाइड या दो एल्डिहाइड का मिश्रण भी हम काम में ले सकते हैं। इस केनेजारो अभिक्रिया की मैकेनिज्म देखते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म हमें सबसे पहले देखेंगे, कि जो क्षार है वो अपने ओ एच माइनस जो आयन है उस ओ एच माइनस आयन के द्वारा इस कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही के रूप में अटैक करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन वो किस पर चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। ऑक्सीजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आ गया है और इसके ऊपर क्या जुड़ गया है, एक ओ एच जुड़ गया है। अगली स्टेप में ये जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे, और इस सी एच सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन है वो एक हाइड्राइड आयन के रूप में एच माइनस आयन के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये हाइड्राइड आयन है वो दूसरे एल्डिहाइड मोलिक्यूल पर नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया देगा,
नाभिक स्नेही की तरह कौन काम कर रहा है इस बार, यहाँ पर हाइड्राइड आयन काम कर रहा है, यहाँ पर एस माइनस आयन जुड़ रहा है, तो एस माइनस आयन यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ओ एस तो था ही, ओ तो था ही, और यहाँ पर एस माइनस जुड़ गया तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस आवेश आ गया, और फिर इसके ऊपर एस प्लस जुड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओ एच में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से एस माइनस बाहर निकला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट हो गया बेंजोइक अम्ल में, और ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजिल एल्कोहल में। तो एक ही प्रकार के एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल थे, जिसमें एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का तो क्या हो गया था, ऑक्सीकरण हो गया था, और दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का हो गया था अपचेन। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अगली विक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।